Daily Bulletin is brought to you by KBN University, Style Up at Prakash Asian Mall, and by United Diagnostics. शुरुआत करते हैं कोविड 19 के केस से। 13 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 6 डिस्चार्ज या क्योर केसेस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 95। कोई भी डेथ शामिल नहीं है आज की इस बुलेटिन। कर्नाटक से आपको मैं बड़ी खबर ला रहे हैं, जहां पर नए सीएम बने हैं बसवराज बोम्मई, जो कि होम मिनिस्टर थे और येदियुरप्पा के क्लोज एड थे, यानी कि काफ़ी भरोसा येदियुरप्पा करते थे और उनके साथ साथ वो थे और लिंगायत कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और बीजेपी ने ये काफ़ी बड़ा स्टेप लिया कि उन्हें बसवराज बोम्मई को सीएम बनाया। ये सारा मामला चल रहा था होटल कैपिटल के अंदर, जहां पर सभी एमएलएज वहां पर मौजूद थे और सेंट्रल से आई थी एक ऑब्जर्वर की टीम। सभी ने यूनानिमसली बसवराज बोम्मई को इलेक्ट किया। बसवराज बोम्मई जो कि अपनी शुरुआत की थी पॉलिटिकल बीजेपी पार्टी 2008 में, उसके बाद वो अपने रैंक्स बढ़ाती थी। इससे पहले वो जेडीयू में थे। बसवराज बोम्मई एक इंजीनियर हैं और 3 साल उन्होंने टाटा मोटर्स में काम किया है। उसके बाद वो एंटरप्रेन्योरशिप किए, उसके बाद पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया। बसवराज बोम्मई ने कहा कि उनकी पार्टी और उनका काम प्रो पीपल और पुअर पीपल के लिए रहेगा और कोविड 19 की और फ्लड की लड़ाई में वो हमेशा आगे रहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे लीडर ऑफ अपोजिशन ने आज राज्यसभा के अंदर जब प्रोटेस्ट चल रही थी, जब बात रखी गई पेगासस सॉफ्टवेयर के बारे में जो स्पाईवेयर है, उस पर उन्होंने एक बड़ी आपत्ति जताई और सभी लीडर्स ने वहां पर एक स्ट्राइक की। जी हां, सभी लोगों ने कहा कि पेगासस जिस तरह से कई सारे लोगों के, पॉलिटिशियंस के, जर्नलिस्ट के मोबाइल्स को हैक करके उनका डेटा जो है लीक कर रहा है। लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ऑपोजिशन डिमांड कर रहा है कि इस पर डिस्कशन हो, जो स्नूपिंग हो रही है पेगासस स्पाईवेयर की। सेंट्रल गवर्नमेंट फिलहाल कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है और इस पर कोई जांच नहीं हो रही। उन्होंने ये भी कहा कि मैं सभी पार्टी का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जो ये कॉमन टॉपिक पर सब मैच कर रहे हैं और इस बात को उठा रहे हैं। याद रखें, पेगासस एक ऐसा स्पाईवेयर है जो कि एक आपके मोबाइल में आ सकता है, एक लिंक के थ्रू, एक वीडियो कॉल के थ्रू, और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वो लोगों को बेच रहा है। इसमें कई सारे पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्ट और कई सारे टॉप बिजनेसमैन की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी लीक आउट हो चुकी है। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने आज प्रोटेस्ट की कि डिप्लोमा के फाइनल ईयर डिग्री और पीजी एग्जाम्स को कैंसिल करें। एक महीना में अब एग्जाम्स होने वाले हैं। उनका ये कहना है कि ऑनलाइन स्टडीज बिल्कुल ठीक तरीके से नहीं हो रही है, बच्चे अंडर प्रिपेयर्ड है। आइए देखते हैं इस पर 800 की टीम क्या कहना चाहिए। साथियों, हम लगातार एक महीने से ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोटेस्ट हम लोग जारी रख रहे हैं, फिर भी गवर्नमेंट और जो रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी है वो सुनने के लिए राजी तक नहीं है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को इवन सेम को प्रमोट करें, लेकिन फाइनल ईयर जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स है, डिग्री स्टूडेंट्स है, पीजी स्टूडेंट्स है, उन लोगों को एक ही महीने में 20 डेज के अंदर अंदर उन लोगों को 2 एग्जाम्स लिखना पड़ता है। जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स है, मोर देन 15 सब्जेक्ट्स उन लोगों को लिखना पड़ता है। जो पीजी स्टूडेंट्स, यूजी स्टूडेंट्स है, 14 सब्जेक्ट उन लोगों को लिखना पड़ता है। हम लोग मशीन है या इंसान है स्टूडेंट्स है, ये क्वेश्चंस पूछते हुए आज विधानसभा भर भर के स्टूडेंट्स आए प्रोटेस्ट के लिए। हम गवर्नमेंट को मांग कर रहे हैं, यूजीसी का गाइडलाइन है, स्टेट का गाइडलाइन है, फर्स्ट टू फिफ्थ सेम तक प्रमोट करने देना चाहिए। स्टूडेंट्स एग्जाम लिखने के लिए रेडी नहीं है, बल्कि ऐसा नहीं है, आप ऑनलाइन क्लास ही नहीं हुआ है, उसी बेसिस पर सिक्स सेम का एग्जाम लिए तो स्टूडेंट्स कैसा लिखना, ये मांग हम लोग कर रहे हैं। तो आज हम इधर ऑफिस में है, हमारा मेन मुद्दा ये है कि हमारे एग्जाम्स जो है ऑफलाइन जो रख रहे हैं हमारे एग्जाम्स, तो हमारे को एग्ज़ाम लिखना नहीं है। तो ये रीज़न ये है कि ऑनलाइन क्लासेस लेने के बाद में आप ऑफलाइन एग्ज़ाम्स कैसे रख सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस लेने के बाद में आप ऑफलाइन एग्ज़ाम्स नहीं रख सकते और हम इसको कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे और हम एग्ज़ाम्स के लिए बहुत अपोज करेंगे। थैंक यू। ऑनलाइन क्लासेस लिए लेकिन क्लास में बैठे तो हमारा कुछ ज़्यादा समझ नहीं आता, ऑनलाइन क्या समझ में आता बोलो। अब एग्ज़ाम्स है लेकिन हम नहीं देना चाह रहे, प्रमोट करो हमारे को, एक ही डिमांड है, प्रमोट करो। 10th वालों को मल्टीपल चॉइस पास हुए, पीयूसी वाले पास करे, प्रमोट करे, तो हमारे को भी प्रमोट करो। कोंकण महाराष्ट्र के अंदर फ्लड की तरफ से काफ़ी सारे लोगों को दिक्कत आ चुकी है, काफ़ी सारे लोग परेशान हैं, घर में रहने के लिए जगह नहीं है, पानी
बहुत ज़्यादा आ चुका है, पीने के लिए तक पानी नहीं है। इस चलते हुए मस्जिद खुदा रहमत नगर ने एक बड़ा इनिशिएशन लिया, उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट की और लोग काफ़ी नंबर से बढ़ते गए और डोनेशन रेस होती गई। छोटे से छोटी चीज़ें जहाँ के मैच बॉक्स से लेकर दूध, राशन से लेकर मेडिसिन, ब्लैंकेट्स, कपड़े सभी एक लॉरी ट्रक में जो है अरेंज किए गए और सिर्फ कोंकण को बेचा गया। मस्जिद खुदा का ये इनिशिएशन कर्नाटक गुलबर्गा से काफ़ी बड़ा रहा और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में कई सारे मसाजिद और कई सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन स्टेप्स को फॉलो करेंगे और कोंकण में आई हुई ये बाढ़ को सपोर्ट करेंगे। पूरे हिंदुस्तान में इस बात की खबर है कि महाराष्ट्र के कोंकण के इलाके में जो इस वक्त सैलाब की सूरत हाल बनी हुई है और बहुत ही ज़्यादा कहर वहाँ की हालत बता रही है, इसी वजह से जब यहाँ हमारे मस्जिद हुदा के अंदर इस बात की तिला पहुँची कि वहाँ ऐसी सूरत हाल है कितनी है, यहाँ पे जो हमारे मोहल्ले वाले हैं, हमारे दो चार गली के आजू बाजू के मोहल्ले के मस्जिद वालों ने है उन अपने तरफ से बढ़ चढ़ के हिस्सा किया है और ये हमारे पहले लारी छोटी पड़ गई, बाद में बड़ी लारी मंगाना पड़ा और हमारे जिम्मेदार अभी मेरे साथ में नहीं है फिलहाल और उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा काम है अल्हम्दुलिल्लाह। हम ये पूरे जो भी डोनर्स हैं इनके सबके शुक्रिया अदा करते हैं और ये जो लोग हमारे मौलाना के साथ जो 10 आदमियों का टीम जा रहा है अल्लाह इनका सफ़र आसान करे और इनकी जो भी डोनर्स हमारे दिए हैं उनको अल्लाह कबूल फरमाए और इनका सफ़र आसान करे, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया। उसके बाद बात करते हैं तबो खान अयाज खान जो कि डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं रेशन किट, ये फूड रेशन किट्स हैं जो कि सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। उन्होंने रामजी नगर वार्ड नंबर 17 के अंदर डोर टू डोर जाकर 350 घरों को वहां के लोगों को ये रेशन किट्स दी और उनकी कई सारी दुआएँ दी। याद रखिए सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ स्कीम्स तो आती हैं लेकिन लोगों तक सही तरीके से पहुँचाना ये अच्छे लीडर की निशानी है और तबो खान ने ये बिल्कुल वैसे ही किया। अंडर एबल लीडरशिप ऑफ एमएलए मैडम कनीस फातिमा साहिबा ये सारा मामला चलता रहा। आइए देखते हैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से रहा और रामजी नगर के लोग किस तरह से खुश हैं तबो खान के एक्टिविटीज से, नजर डालते हैं। अपने घर वालों को आप दो चीज़ ज़रूर दे सकते हैं, एक क्वालिटी टाइम या फिर वैल्यूबल एसेट। जब बात वैल्यूबल एसेट की आती हो तो अगर वो वैल्यूबल एसेट अगर प्रॉपर्टी हो तो बहुत ज़्यादा काम आती है। 313 डेवलपर्स की रीगल एनक्लेव एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर आपकी वैल्यूबल एसेट्स आपको ज़रूर मिल जाएंगे। रियल एस्टेट में आप क्या देखते हैं, करीब लोकेशन और बेस्ट प्राइस। रीगल एनक्लेव ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है जहां पर आप अपने अपनों के साथ खरीद ले सकते। रीगल एनक्लेव, स्टे क्लोज स्टे कनेक्टेड। रीगल एनक्लेव एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हार्ट ऑफ द सिटी में है। शहर के अंदर के साथ साथ सारे डेवलपमेंट यहां पर मौजूद हैं और ये लेआउट एनए और कुडा अप्रूव है। सारे बेसिक एमिनिटीज जस्ट ए वॉक अवे है इस प्रोजेक्ट से और इस प्रोजेक्ट के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यूएबल रहेगा क्योंकि महंगाई के जमाने में इन्वेस्टमेंट सेव करने के लिए रियल एस्टेट काफी अच्छी चीज है और इसीलिए रीगल एनक्लेव जिसके डेवलपर्स हैं 313 डेवलपर्स। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई इसके एमिनिटीज क्या क्या है, RCC ओपन ड्रेन, UGD वाटर सप्लाई, टार रोड्स ऑफ 30 फीट एंड 40 फीट, इलेक्ट्रिफिकेशन, प्लांटेशन, चिल्ड्रंस पार्क, थीम पार्क, जॉगिंग ट्रैक और भी बहुत कुछ। इसका एग्जैक्ट लैंडमार्क अगर हम बात करें तो KNZ फंक्शन हॉल से जो रोड जा रही है AN बैंक्वेट तक, AN बैंक्वेट्स के बिल्कुल लगकर ये लेआउट है NA कुडा अप्रूव। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर आए नंबर पर कॉल करें और इस प्रोजेक्ट के प्रोमोटर्स हैं GoHash Realtors। GoHash.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार। फार यानी फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल। जी हां, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज डू सपोर्ट GoHash.in एंड लेट्स गो फार।
आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब्स है जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय केवीएन यूनिवर्सिटी, स्टाइल अप एट प्रकाश एशियन मॉल एंड बाय यूनाइटेड डायग्नोस्टिक्स।